गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर टू डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का फाइनली एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा है। एडमिट कार्ड भी कुछ समय बाद जारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा तो आपका जो है कि कैसे आप जो है कि कुछ सेकंड में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एग्जाम डेट एंड सिटी चेक कर पाएंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बनेगा लास्ट तक, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये सारी चीज़ें आपके खुद के मोबाइल से कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना एग्जाम डेट एंड सिटी एप्लीकेशन स्टेटस एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके अपने मोबाइल से आप चेक करेंगे। बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले आपको पहचान लेना है कि आप किस रीजन से आते हैं, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं और रीजन आपका क्या है। यदि आप एनआर रीजन से हैं तो आप राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड सॉरी आप राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो एनआर रीजन में आप का होगा। डब्ल्यू आर रीजन में यदि आप महाराष्ट्र गुजरात गोवा से हैं तो डब्ल्यू आर रीजन में आएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं तो एमपीआर रीजन से आप एमपीआर रीजन में आएंगे। और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप ईआर रीजन में आएंगे। यदि आप असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय त्रिपुरा नागालैंड से बिलोंग करते हैं तो आप एनईआर रीजन में आएंगे। मिजोरम भी इसी में सम्मिलित है। यदि आप आंध्र प्रदेश पुडुचेरी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो ये आप एसआर रीजन साउथर्न रीजन में आएंगे। यदि कर्नाटक के केरला से बिलोंग करते हैं तो केकेआर रीजन में आप आएंगे। तो ध्यान देना है आपको रीजनल जो कि आपको याद रखना है कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा रीजन है, ठीक है। और यदि हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कि एनडब्ल्यूआर रीजन से बिलोंग करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसका जो रीजन है सीआर रीजन सेंट्रल रेलवे रीजन या सॉरी सीआर रीजन में आते हैं। सीआर रीजन ही कहा जाता है, ये रेलवे का हो या एसएससी का हो ऐसे ही सभी राज्यों को बांट दिया जाता है। सिंपल आपको सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम या किसी भी वेबसाइट पर आ जाना है, वहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड और सीआर रीजन का भी आया है। दूसरे रीजन का लिंक जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो आपको जो है कि सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सीआर रीजन पर। सीआर रीजन पर क्लिक करेंगे ऐसे ही सबका जो है कि बारी बारी से सभी एनडब्ल्यूआर रीजन एसआर रीजन और एनसीआर रीजन सभी रीजन का जो है कि बारी बारी से जो है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सिंपल सा आपको वहाँ पर आने के बाद आपको जो है कि अपने लिंक पर जो भी लिंक दिया गया होगा सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम पर फिर आपको जो है कि क्लिक कर लेना है। सब उसके बाद आपको जो कि ये ऑप्शन मिल जाएगा, डियर कैंडिडेट प्लीज़ डोंट मल्टीपल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड इन केस ऑफ मल्टीपल डाउनलोड ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड। देखिए, अभी जो है कि एग्जाम डेट एंड सिटी के लिए बताया गया एडमिट कार्ड जो है कि अलग होता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। देखिए कैसे आपको जो कि एग्जाम डेट एंड सिटी और एडमिट कार्ड देखना है, क्या आपको जो कि करना पड़ेगा। यदि रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कीजिए। डेट ऑफ बर्थ देखिए दिन में महीने में वर्ष में आपको जो कि यहाँ पर फिलअप करना है। फिर सेलेक्ट सिटी आपको जो कि क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट वाराणसी इलाहाबाद जो आप प्रेफरेंस दिए होंगे एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पर जो कि क्लिक करना पड़ेगा। फिर वेरीफाई वुमेन के लिए आपको 7+6 जो दिया गया होगा सबका अलग अलग दिया होगा। 7+6 आपका होता है 13 यहाँ पर जो कि फिलअप कर देना होगा। सभी का अलग अलग वुमेन वेरीफाई आएगा। फिलअप करने के बाद आपको जो कि सिंपल सा सर्च कर लेना है। यदि आपको ये भी नहीं पता है, यदि रोल नंबर पता है, सभी को रोल नंबर इतना जल्दी नहीं पता होता, रजिस्ट्रेशन नंबर पता होता है। यदि फिर भी कुछ नहीं पता है, यदि आपका नाम और आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ आप जानते हैं तो आपको जो है कि एग्जाम डेट एंड सिटी एडमिट कार्ड सारी चीज़ें आप जो है कि जान पाएंगे। देखिए, आपका नाम गोलू यादव है, ठीक है, तो आपको बस सिंपल सा गोलू लिखना है, ठीक है। आपको यादव बस नहीं लिखना है, बस केवल गोलू लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट 4 चैरेक्टर, केवल पहला ही अक्षर आपको जो कि 4 चैरेक्टर लिख देंगे तो उससे जो कि आप एग्जाम डेट एंड सिटी एडमिट कार्ड सारी डाउनलोड कर पाएंगे। फिर अपना नाम लिख लीजिए, आपके पिताजी का नाम रवि यादव है तो आप अपने पिताजी का नाम केवल रवि लिखिए, यादव मत लिखिए, उतना सही काम चल जाने वाला है। फिर यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद सेलेक्ट सिटी कर लीजिए, वाराणसी इलाहाबाद गोरखपुर जहाँ भी आप फिल एग्जाम देने के लिए प्रेफरेंस दिए हैं पहला वो यहाँ पर फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पर हुमन वेरीफाई जो दिया गया है आपको सिंपल सा प्लस करके प्लस दिया तो प्लस करके आपको जो कि यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर सर्च का आइकन दिया होगा, सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद इस प्रकार आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ बीएसएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2022 एग्जाम हेल्ड 10 जनवरी 2023। आपका जो कि एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है तो 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट है और 14 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। तो 1 महीना 4 दिन आपका जो कि एग्जाम चलने वाला है, जो कि फाइनली आपको जो कि पता भी होगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर पिताजी का नाम एड्रेस पूरा दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर ये चीज़ आपको स्क्रीन शॉट मार के अपने मोबाइल में रख लेना है ताकि आपको आगे चलकर काम आए। एग्जाम आपका 29 जनवरी 2023 को इस कैंडिडेट का है और शिफ्ट मॉर्निंग में है और एग्जाम जो है कि 9 बजे से स्टार्ट है, 10:30 बजे तक चलने वाला है। इसके बाद आपको मैं दिखा दूँ कि आपको एक और भी चीज़ें मिल जाएगी। एग्जाम डेट के दो दिन पहले आपको जो है कि यहाँ पर नीचे एक जो है कि ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक लिंक मिल जाएगा, आपको जो है कि क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो कि एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार आपका जो है कि ओपन हो जाएगा। आप इसको जो है कि खुलवा लीजिएगा, इसको जो है कि कलर में जो है कि डाउनलोड करवा लीजिएगा और डाउनलोड करके आप जो है कि लेकर जाइएगा कलरफुल एडमिट कार्ड, तभी जो है कि एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको जो है कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो गाइज, ऐसे ही आपको सारी प्रोसेस से गुजरना है। गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।